तमिलनाडु के सात और केरल के तीन मछुआरों को ईरानी अधिकारियों ने बिना इजाजत के उनके इलाके में घुसने पर हिरासत में लिया है। यूएई के अजमान से समुद्र में निकले मछुआरे रास्ता भटककर ईरानी इलाके में पहुंचे। मछुआरों के परिवार के मुताबिक वे ईरान में कैद हैं और उन्हें तीन अलग अलग जेलों में रखा गया है। परिजनों का ये भी आरोप है कि मछुआरों को हिरासत में पीटा गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 10 भारतीयों के अलावा एक अरब नागरिक भी है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने केरल के मछुआरों के परिवार से मुलाकात की और उन्हें रिहा कराने का भरोसा जताया। वी हैव यस्टरडे आवर एम्बेसडर हैज मेट द डीजी फॉरेन अफेयर्स एंड हैज डिमांडेड अ काउंसलर एक्सेस फॉर द टू मीट ऑल द इंडियंस हु आर इन देयर कस्टडी। सो आई एम होपफुल दैट अंडर द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी we had many such experiences of fishermen perhaps crossing over unintentionally across the international borders, but every time we have been able to bring them back. भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने ऐसे मसले सुलझाने के लिए व्यवस्था बना रखी है, लेकिन ईरान के साथ ऐसा कोई इंतजाम अभी तक नहीं है। लेकिन विदेश राज्य मंत्री ने भारतीयों की रिहाई का भरोसा दिया है।